ये है मेरा आज का ब्रश। लग रहा है कि मैं माजा की बॉटल हूं। रंग दे तुमो है गेरुआ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज होने जा रहा है यूजिंग ओनली ऑरेंज कलर थिंग्स फॉर 24 आवर्स चैलेंज। यार लेकिन ये बताओ कि ऑरेंज को मैं हिंदी में क्या बोलूं? गेरुआ, केसरी, भगवा, नारंगी, संतरी, आप लोग क्या बुलाते हो इसे हिंदी में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक पीजे मारूं, मुंबई में बाहर है ऑरेंज अलर्ट और यहां पर भी है ऑरेंज अलर्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, पिछले एक हफ्ते से मुंबई में इतनी जोर की बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। मैंने ये चैलेंज करने का सोच तो लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि सामान कहां से आएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसीलिए आज के इस चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है DIY। That's right, मैं बहुत सारे ऑरेंज जुगाड़ करने जा रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चादर जो आप देख रहे हो। ये चादर नहीं है, ये ना मेरे घर का पुराना पर्दा है। What? ये है मेरा तकिए का कवर। दिस इज एन ऑरेंज रक्सैक दैट आई हैव, जिसे मैंने तकिए के ऊपर चढ़ा दिया है। क्योंकि आज के इस चैलेंज में आपकी ये जुगाड़ क्वीन बहुत सारे जुगाड़ करने वाली है, इसीलिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100K likes, और साथ ही प्लीज सब्सक्राइब कर दो। यार मेरा सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर का रेशो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर दो कर दो कर दो। आई लव यू ऑल। और चलो अब बढ़ते हैं ब्रशिंग की तरफ। आजा, ये है मेरा आज का ब्रश। हाँ? जी, ये टॉयलेट का ब्रश है, मेरा ब्रश नहीं है। मैं ब्रश करूंगी इससे। भाई बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ऑरेंज के छिलकों से दांत व्हाइट हो जाते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या ये हैक काम करती है। क्या मेरे दांत सफेद हुए? नहीं। पता नहीं, बट मुंह में बहुत ही गंदा टेस्ट आ रहा है संतरे के छिलके का। खाया कभी संतरे का छिलका? नहीं। बहुत ब्रश हो गया, चलो नाश्ता करते हैं। A few minutes later. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। गाइस, फ्रिज में से मुझे ये पपीता मिला है। अब पता नहीं ये ऑरेंज कलर का निकलेगा कि येलो कलर का। मुंबई के पपीतों का कोई भरोसा नहीं है। इसे मैंने रखा है इस ऑरेंज प्लेट में और काटने वाली हूँ इस कंट्रोवर्शियल चक्कू के साथ में। रेड चैलेंज में आप लोगों ने बोला ये ऑरेंज चक्कू है, इसीलिए मैं इसको ऑरेंज चैलेंज में यूज कर रही हूँ। अगर आज बोला ना कि ये रेड चक्कू है तो देख लेना। सिंबू, मेरा पपीता ऑरेंज निकला, हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तू खाएगा? वाओ, ये पपाया पका हुआ भी है और मीठा भी है और ऑरेंज भी है। नहीं खाया ना, पता था ये पपीता नहीं खाएगा। मैं तो अपना ऑरेंज ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और उसके बाद नहाने के लिए DIY जुगाड़ करेंगे। A little longer than a few minutes later. Guys, नहाने के लिए मैंने बनाया है DIY उपटन। ये ऑरेंज इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने कच्ची हल्दी डाली है और साथ में टॉवल है ये कपड़ा। क्या आप सब इस कपड़े को पहचानते हो? नहीं। Guys, ये डस्टर है जो घर की गाड़ी की सफाई करने के काम आता है। इसे ना मैं प्रॉपरली वॉश करके ही इस चैलेंज में यूज कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हाँ जी फ्रेंड्स, शावर डन. यू नो, आज सुबह से भले ही मैंने हर चीज में बहुत जुगाड़ किए हूँ, लेकिन स्किन केयर में नो जुगाड़, क्योंकि मेरे पास है लैक्मे की ऑरेंज कलर की न्यूली लॉन्च्ड 9 to 5 विटामिन सी प्लस रेंज. इस रेंज का पहला प्रोडक्ट है ये सेरम, विच इज मेड आउट ऑफ अ सुपर फूड कॉल्ड काकाडू प्लम, जिसमें ऑरेंजेस से 100 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी होता है. ये सेरम जेल बेस्ड है, इसे आपको अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है टिल इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड. यार, ये कंप्लीटली नॉन स्टिकी नॉन ऑयली फॉर्मूला है जो स्किन में बहुत ही इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है. इसे लगाते ही ना मेरी स्किन इतनी एनर्जाइज्ड और हेल्दी फील करती है, वो इसलिए क्योंकि इसमें 2% एक्टिव विटामिन सी कॉन्सेंट्रेट है, प्लस इसमें विटामिन ई भी है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है. अपने सीरम को मैं टॉप अप करने वाली हूँ इस डे क्रीम से, जिसमें शिया बटर और विटामिन ई है. और ये नाइट क्रीम ऑब्वियसली मैं रात को ही लगाऊंगी. इसमें भी है शिया बटर, ग्लीसरिन एंड मुरुमुरु बटर, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और सफल रखता है. गाइस, मैं ना इस रेंज को 2 हफ्तों से यूज कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना. वैसे भी विटामिन सी हमारी स्किन केयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता ही है ना. टू रिस्टोर द डैमेज सेल्स, एक हेल्दी ग्लो देने के लिए, डलनेस को हटाने के लिए, एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस रेंज टू यू. इट इज वेरी इफेक्टिव येट अफोर्डेबल. ये 30 ml का पैक जो है सेरम का, इट इज ओनली फॉर ₹549. डे क्रीम इज फॉर ₹349 एंड द नाइट क्रीम इज फॉर ₹399. और अगर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए, यूज माई कूपन कोड VITCGARG10. परचेज लिंक्स और बाकी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. अब बढ़ते हैं तैयार होने की तरफ. ऑरेंज मेकअप, ऑरेंज कपड़े, ऑरेंज ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या ऑरेंज होने वाला है, थोड़ी देर में दिख जाएगा. सी यू. है मेरा आज का ऑरेंजी अवतार. हिंदी तो आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं कि ऑरेंज को क्या बोलते हैं, तो मैंने ऑरेंजी बना दिया इसको. वैसे आप लोगों को मेरी ये DIY ऑरेंज ज्वेलरी कैसी लगी? और पता है, मैंने अपने नेल्स पे ना नेल पेंट नहीं था तो स्केच पेन से उन्हें ऑरेंज कर लिया. और ये ऑरेंज मेकअप, बाय गॉड, जिंदगी में इतना ऑरेंज मैंने आज तक कभी नहीं पहना. ऐसा लग रहा है कि मैं माजा की बॉटल हूं. By the way, मेरे इस इकलौते इंडियन ऑरेंज आउटफिट को देखकर आपको कुछ याद आया? नहीं. मैं आगे कोई क्लू व्लू नहीं देने वाली हूँ, बस इतना ही काफी है. जिसको समझ में आ गया वो नीचे कमेंट से बता देना, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं. सिम्बा इज सो अम्यूज्ड लुकिंग एट हिज मॉमीज लुक. मम्मी ने इतना प्यारा लुक बनाया है, अभी उतना ही प्यारा ऑरेंज लंच भी बनाना है. चलो किचन में चलो. चिंबू, लंच में हम खाएंगे इस ऑरेंज दाल की खिचड़ी. बाय द वे गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस दाल का नाम क्या है? आप लोग इसे क्या बुलाते हो नीचे कमेंट से बताना. और अब देखो इस ऑरेंज दाल, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, उसे मैजिकली खिचड़ी में चेंज कर दे. आबरा का डाबरा, खिचड़ी बन जा तू. ऑरेंज चम्मच नहीं है यार, यही है चम्मच आज. सिंपल खाने में जो स्वाद है और जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है. किस किस को खिचड़ी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. और हाथ से खाना किस किस को पसंद है वो भी बताना मुझे नीचे कमेंट्स में. सो गाइस, मैं अपना ये सिंपल सा लंच खत्म करती हूँ. इसको तो दे नहीं सकते, मैं तो खाने वाला है नहीं खिचड़ी. मिलेंगे शाम को चाय के टाइम पर. मैं बहुत थक गई हूँ यार, मुझे थोड़ा आराम करना है. ओके, लेटर दैट सेम इवनिंग. छोड़, मेरा गमछा छोड़, मेरा गमछा छोड़. गाइस, ये मेरा टी टाइम है. देखो मैंने कपड़े चेंज कर लिए. यार ऑरेंज पैंट किसके पास होती है? मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं ये गमछा जो है
अपने पैर पे बांध रही हूँ। सिमू मैं चैलेंज हार जाऊंगी, मम्मा को बांधने दो, ये आपके लिए नहीं है। सिमू बांधने दे, प्लीज प्लीज बांधने दे। देखो गाइस, इसने ले लिया, मैंने चीटिंग नहीं करी है। हाँ, मैं अपनी इस ब्लू पैंट पे ऑरेंज गमछा बांध रही थी। 20 minutes later इसको मैंने ट्रीट दिया, तब जाके इसने मेरा ये ऑरेंज कपड़ा छोड़ा है। कहाँ बांधू, कहाँ बांधू गाइस, प्लीज देखो यहाँ बांध रही हूँ। समझ लेना की पैंट पे ही बांधा है, यहाँ नीचे बांधूंगी तो ये खींच लेगा। गंदू। एनीवे गाइस, तो क्योंकि आज के चैलेंज में मैं सब कुछ अलग कर रही हूँ, डीआईवाई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यार चाय के टाइम पे भी कुछ अलग किया जाए, इसीलिए आज मैं नॉर्मल टी की जगह पीने जा रही हूँ ऑरेंज आइस टी, जिसके लिए यहाँ पे देखो ऑरेंज ग्लास में अंदर टी है। What? ये मेरी डीआईवाई आइस टी नहीं है, मैं इसके अंदर कुछ मिक्स करने वाली हूँ। मेरे फ्रीजर में है ये फ्रोजन आमरस। हाँ हाँ, टी का नाम ऑरेंज टी है, लेकिन बनाएंगे तो हम इश्क आमरस डाल के। दिस इज ऑसम सिंबू, ऐसा लग रहा है मैं ना फ्रूटी पी रही हूँ, टी ए वाली टी। वाह, क्या पन मारा है मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों को सिम्बा के बहुत ही क्यूट ऑरेंज फ्रेंड से मिलवाऊं। मिलवा दें? हाँ, चपचे मिलवाओगे अपने फ्रेंड्स को? चलो आ जाओ। सो गाइस, ये है सिम्बू की क्यूट क्यूट ऑरेंज फ्रेंड्स, हमारी गर्ल फिश। सिम्बू हाय कर दो अपने फ्रेंड्स को। हाय फिशीज, हाय। इनको खाना खिलाए। फिशेस का खाना भी ऑरेंज कलर का है, तो चलो सिम्बू की फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा खेली खेली करते हैं। हाँ पपी, ओके। देखो देखो देखो, आपके पास आई ना, आई ना। सो गाइज, अब सिम्बा के फिशेस के साथ खेले तो इसके भी ऑरेंज टॉय के साथ तो खेलना पड़ेगा ना। बेबी नीचे नहीं जा सकता, बार बारिश हो रही है ना, हम वॉकी वॉकी भी नहीं जा सकते, इसीलिए हम घर में गेम्स खेलेंगे। अच्छा फेच खेलना है ना, फेच। यू लाइक दिस, यू लाइक दिस टॉय, फेच। कम कम कम, गेट इट गेट इट गेट इट, वापस ला, वापस ला सिम्बू, वापस ला। अरे यार, इसकी ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं अपने ऑरेंज सोफे से उधर जा नहीं सकती हूँ, और ये वाला टॉय वापस देगा नहीं, इसलिए मुझे लेना पड़ा। फेच करने जाता है वहीं पर रुक जाता है, वापस ला के नहीं देता। हाँ, फेच का मतलब होता है वापस लाना है। ओके दिस टाइम गेट इट बैक, फेच गेट इट बैक पपी, कम 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 कम। इसकी फेच की ट्रेनिंग ना मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी, तो मैं इसको ट्रेन कर रही हूं, आप लोगों से मिलूंगी मैं डिनर टाइम पे। ओके सिम्बू, गिव गिव। 3 hours later सो फ्रेंड्स, इट्स माय डिनर टाइम, और डिनर में मेरे फ्रिज में मुझे सिर्फ यही सब सामान मिला। ये है कद्दू यानी कि पम्पकिन, ये है कसूरी मेथी, और ये है टमेटोज जिससे मैं बनाने वाली हूँ सूप, और ये है मेरी ऑरेंज सूप स्टिक्स। तो एक बार फिर से मैजिक करें, आबरा कडाबरा, सूप बन जा, सूप बन जा, सूप बन जा तू। टडा, सूप रेडी। ध्यान से सूप पे, गरम गरम मेरे पास में, सुड़क सुड़क के सूप पिया जाएगा। ये गई मेरी सूप स्टिक ऑरेंज सूप के अंदर। पता है ना गाजर कितनी हेल्दी होती है, फिनिश करना इसको। बहुत बदतमीज है, कोई हेल्दी चीज नहीं खाता है ये, कोई भी नहीं। एनीवे गाइस, आई एम ग्लैड कि आज सुबह से मैंने बहुत ही हेल्दी हेल्दी चीजें खाई हैं, लेकिन डिजर्ट में खुद को थोड़ा सा इंडल्ज करना तो बनता है ना। चिंबू डिजर्ट खाएगा, ऑरेंज कलर की डिजर्ट खाएगा। चलो चलो आपको दिखाती हूँ कि डिजर्ट में मैं क्या तिकड़म लगाने वाली हूँ।
सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू हैव माय ऑरेंज डेजर्ट एंड रिलैक्स। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने नाइट सूट में वापस आ गई हूँ। और ये जो है ना, ये मेरी फ्रेंड ने गोवा की एक बहुत ही ऑसम सी बेकरी है, वहाँ से मुझे ऑरेंज केक लाके दिया था। मुझे पता है इसका कलर ऑरेंज नहीं है, इसीलिए मैंने रियल ऑरेंजेस लाए हैं जिससे मैं इसको टॉप कर दूंगी। हो गया ना अभी ऑरेंज? हाँ, अब मैं ये डेजर्ट एंजॉय करूंगी, उसके बाद मेरी ये नाइट क्रीम लगाऊंगी, ये ऑरेंज कैंडल जलाऊंगी और फिर इस ऑरेंज बुक को रीड करूंगी एंड देन सो जाऊंगी। लो भाई लो, फाइनली सिमुजी को कुछ खाने को मिला। सो फ्रेंड्स, अगर आज का चैलेंज आप लोगों को मजेदार लगा, यू नो दैट यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गर्मास गुड लाइफ। अगला चैलेंज क्या देखना है वो भी बता देना, सारे रिक्वेस्टेड वीडियोज ही बना रही हूँ, ठीक है? I love you all. Tata, good night. Mwah.